जी हाँ, आप देख रहे हैं क्रांतिकारी खबर माना जाता है। तो सबसे पहले लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं विजय अग्रवाल, अध्यक्ष अलीगढ़ सराफा कमेटी। सर्वप्रथम नगरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय। ये त्यौहार हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। इसके लिए सभी हिंदू धर्म में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और कोविड काल से निकलने के बाद बाजार में ये उम्मीद है, धारणा है कि आगे दिवाली के ऊपर एक सकारात्मक रूप इसमें आना चाहिए। और जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसमें भी उत्साह नज़र आता है दिवाली के ऊपर, धनतेरस के ऊपर, जी जी, परचेजिंग के लिए, कि भाई वो लोग भी उत्साह के साथ परचेजिंग करेंगे। तो इस तरीके से बाजार का क्या रुख दिखाई दे रहा है, जो ग्राहकों की तरफ से भी और दुकानदारों की तरफ से भी? नहीं, दुकानदार तो अपनी पूरी तैयारी करके हर उस पर बैठते ही है, उम्मीद लगाते हैं। हाँ, पूरी तैयारी के साथ दुकानदार तो बैठते ही है और अपनी तैयारियाँ करते ही है। लेकिन अब क्या उम्मीद की जाती है कि कस्टमर भी उसमें सकारात्मक रूप दिखाएगा और अच्छी परचेजिंग जाएगी, अच्छा त्यौहार बीतना चाहिए दुकानदारों के हिसाब से भी और ग्राहकों के हिसाब से। तो सोना चांदी की बिकवाली में तेजी आने की संभावना है? निश्चित रूप से, जब ओवरऑल मार्केट अच्छा होता है तो सोने चांदी का व्यापार भी अच्छा होगा। और मैं ये कामना करता हूँ सभी के लिए कि भाई ये त्यौहार सभी व्यापारियों के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए, सभी के लिए अच्छा हो और उत्साहवर्धक हो, जिससे कि व्यापारी जो इतने 2 साल में काफ़ी कुछ पिछड़ गया है व्यापार में, उसके पुनरुद्धार हो सके। सर, एक बात और खास पूछना चाहूँगा कि हर साल देखा गया है कि दिवाली के पर्व पर कहीं ना कहीं बच्चों में दुर्घटनाएँ जलने को लेकर, पटाखे, आतिशबाजी को लेकर होती है। हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी सूचना मिल जाती है जो थोड़ा सा कष्टदायी होती है। तो सुरक्षित दिवाली कैसे बनाए कुछ? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा माँ बाप को भी ध्यान देना है, छोटे बच्चों के लिए खास तौर से, कि एक तो ईगो फ्रेंडली जो आतिशबाजी आती है वो उसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा ख़तरनाक पटाखे वगैरह ना मंगाएं और बच्चों को अपने सामने ही छुड़वाएं, उनको अकेले छोड़ने की इजाज़त ना दें। तो